दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेके आया हूँ एक बजट फ्रेंडली और इजीली अवेलेबल फ्रूट जिसे आप डाइट के साथ इंक्लूड करते हो तो आपको मिलता है टन्स ऑफ बेनिफिट। तो उसको बेनिफिट के बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं गारंटी करता हूँ वीडियो एंड होने तक आपके मुंह में 50 से 100 टाइम्स पानी जरूर आएगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों ये मैजिकल फ्रूट है टमरिंड, हिंदी में हम लोग इसे इमली बोलते हैं। आई एम श्योर कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं दो टाइप के इमली के साथ। जैसे ये होता है टेस्ट में स्वीट और आप जो स्क्रीन में देख सकते हो ये होता है खट्टा टेस्ट में। तो ये खट्टा वाला जो टमरिंड है फर्मेंटेड किया हुआ, इसे हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं अचार के साथ, पानी पूरी के साथ या फिर चाट के साथ। लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इसके बेनिफिट के बारे में जो है स्वीट इमली। तो ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है एंड इसका मल्टीपल बेनिफिट होता है। दोस्तों नेचर का दिया हुआ कोई भी फ्रूट हो उसके साथ आपको मिल जाता है बहुत सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसी तरह इमली के अंदर भी आपको बहुत सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स तो मिलता ही है, लेकिन मैं हाईलाइट करने वाला हूँ दो विटामिन, विटामिन ए एंड विटामिन सी। ये दोनों हेल्प करता है हम लोगों का जो स्किन का नेचुरल ग्लो है उसे रिस्टोर करने में। कभी कभी किसी किसी को सनबर्न हो जाता है या फिर सनबर्न के प्रॉब्लम से जूझते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये ऑलमोस्ट एक या डेढ़ महीना में टोटल सनबर्न रिमूव कर देता है एज वेल एज ओनली 2 वीक्स के अंदर ये आपका नेचुरल ग्लो को रिस्टोर कर देता है। दोस्तों क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है तो फैट लॉस में ये बहुत असरदार होता है एज वेल एज हमारे बॉडी में कभी कभी फास्ट फूड या फिर रॉ फूड खाने से बहुत टॉक्सिन स्टोर होता रहता है, तो उस टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए ये बेनिफिशियल रहता है। एंड अगर आप इसे एम्प्टी स्टोमक 5 to 10 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर आप रॉ काउंट करो तो 1 या 2, अगर आप कंटिन्यूसली लेते हो ऑलमोस्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ, आपको इसका बेनिफिट दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे लीवर का जो एंजाइम है उसे बहुत बैलेंस कर देता है। कभी कभी हम लोगों को बहुत रश लगा रहता है एंड बिना खाए हम लोग निकल जाते हैं, उस कंडीशन में गैस या फिर एसिडिटी फॉर्म होने ये नहीं देता है। एंड इसके अंदर जितना भी सारा मिनरल्स है ये हमारे बॉडी को होल डे कंटिन्यूसली मिनरल्स का कमी होने नहीं देता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसे हम लोग इनटेक कैसे करें, क्योंकि मैंने बताया कि लीवर एंजाइम को बैलेंस करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एम्प्टी स्टोमक इसे कंज्यूम करना आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई भी टिफ़िन टाइम से बिफोर या फिर पोस्ट टिफ़िन के बाद आप लोग इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसे कंफ्यूज मत कर देना फर्मेंटेड इमली के साथ। वो फर्मेंटेड इमली आप टिफ़िन के साथ या फिर कोई भी मिक्सचर के साथ ऐड करके ले सकते हो, लेकिन इसे आपको रॉ कंज्यूम करना है। एंड मेक श्योर इसके साथ कोई भी आपको सॉल्ट वगैरह मिक्स नहीं करना है, तो इसका बेनिफिट जो है ख़राब हो सकता है। एज वेल एज अगर आप इसे कुक भी करते हो तो इसका बेनिफिट का बहुत ज़्यादा डिक्रीज आपको मिलता है। तो रॉ कंज्यूम करना ही और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। बस आप शेल के साथ भी खा सकते हो, शेल को अगर आप तोड़ देते हो तो अलग अलग आपको दिखना चालू हो जाता है इस टाइप का, अंदर ब्राउन कलर का होता है। तो आप ऐसे तोड़ के भी खा सकते हो या फिर पूरा एक साथ कंज्यूम कर सकते हो। तो ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा गुड है। मेक श्योर आप कंटिन्यूसली 1-2 महीना लेंगे तो ही आपको असर देखना चालू हो जाएगा। दोस्तों आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो कंटिन्यूसली 1 month 2 month तक एंड धीरे धीरे 1-2 करके आप इसे इंटेक कर सकते हो। जैसा मैंने तरीका बताया उसी टाइप से आप इंटेक कर सकते हो। एंड टेस्ट में ये बहुत अच्छा है, मीठा है, कोई खट्टा फील आपको होने नहीं देता है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग आवर चैनल।